ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में धोखाधड़ी के मामले मिलने के बाद केंद्र सरकार ने बिहार के 3,28,000 से अधिक किसानों के भौतिक सत्यापन का दिया निर्देश। बिहार की रेल परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में 5,150 करोड़ रुपए का हुआ आवंटन, राशि से 57 परियोजनाओं पर होगा काम। पटना प्रशासन का फैसला, किसी मकान या गोदाम में शराब पकड़ी गई तो संपत्ति को जब्त कर नीलाम किया जाएगा। और प्रदेश में कोविड 19 के सक्रिय मामलों की संख्या 1,000 से कम हुई, स्वस्थ होने की दर 99% से अधिक। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ, कोविड 19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े बिहार के 3,28,000 से अधिक किसानों का भौतिक सत्यापन होगा। केंद्र सरकार ने योजना की जांच के लिए रैंडम आधार पर किसानों का चयन कर सूची राज्य सरकार को भेज दी है। कृषि निदेशक डीपी त्रिपाठी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कृषि विभाग ने सभी प्रखंड मुख्यालयों को सूची भेजकर किसानों का सत्यापन शुरू कर दिया है। इस काम में प्रखंड कृषि अधिकारियों के साथ साथ सहायक तकनीकी प्रबंधक और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक की भी सेवा ली जा रही है। गौरतलब है कि योजना को आधार से लिंक कराए जाने के बाद प्रदेश भर में 32,000 ऐसे किसानों की पहचान हुई थी जो आयकर दाता होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे थे। इसके बाद इन सभी किसानों का नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया गया था और इनसे राशि वापस लेने की कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय बजट में इस बार बिहार की रेल परियोजनाओं के लिए 5,150 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इसमें पूर्व मध्य रेलवे को 4,843 करोड़ रुपए मिले हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस राशि से 57 परियोजनाओं पर काम होगा। नेवरा दनियावां बरभिका और शेखपुरा के बीच 121 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं पटना में रेल सह सड़क पुल के लिए 50 करोड़ और केवल गया रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 250 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह हाजीपुर बछवाड़ा रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए 180 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। ऊपरी और निचली सड़क पुल के लिए 153 करोड़ रुपए और सड़क संरक्षा कार्य के लिए 74 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि रेल मंत्रालय ने आरा से बलिया के बीच नई रेल लाइन के सर्वे को भी मंजूरी दे दी है। प्रदेश के सभी डाकघरों को 30 अप्रैल तक कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि इसके लिए बीएसएनएल के साथ समझौता हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य में 783 डाकघर कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़े जा चुके हैं। राज्य सरकार बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट से विभिन्न सब स्टेशनों तक सस्ते दरों पर बिजली पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाएगी। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पावर प्लांट से बिहार को 1022 मेगावाट बिजली मिलनी है। पटना उच्च न्यायालय ने गोपालगंज के चर्चित खजुरबानी जहरीली शराब कांड मामले में 10 बर्खास्त पुलिसकर्मियों की सेवा बहाल करने का राज्य सरकार को आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने सभी बर्खास्त पुलिसकर्मियों को सेवा से बाहर रहने की अवधि का पूरा वेतन और अन्य पारिश्रमिक के भी भुगतान का निर्देश दिया है। इससे पूर्व भी पटना उच्च न्यायालय इस मामले में 5 बर्खास्त पुलिसकर्मियों की सेवा बहाल कर चुकी है। गौरतलब है कि अगस्त 2016 में खजुरबानी में शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने 24 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया था। पटना प्रमंडल में यदि किसी के मकान या गोदाम में शराब पकड़ी जाती है तो उस मकान या गोदाम को जब्त कर उसकी नीलामी की जायेगी।
प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया। गौरतलब है कि पटना में पिछले दिनों 4 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की शराब बरामद की गयी थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया। बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई ने कुख्यात शराब तस्कर अजीत सिंह को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। अजीत सिंह मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है और बिहार शराब भेजने के कारोबार में लिप्त था। मद्य निषेध विभाग के आईजी अमृत राज ने बताया कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पहली बार इस प्रकार की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों गोपालगंज में शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया गया था। गिरफ्तार ट्रक चालक की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गयी है। पटना रेंज के आईजी संजय सिंह ने शराब तस्करों को पुलिस हिरासत से छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए घूस मांगने के आरोप में पटना के कदमकुआं के तत्कालीन थानाध्यक्ष निशिकांत निशी, दारोगा राकेश कुमार और सिपाही अरुण कुमार को निलंबित कर दिया है। श्री सिंह ने बताया कि निलंबित पुलिसकर्मी का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कार, शराब और 2 तस्करों को छोड़ने के लिए एक दलाल के माध्यम से 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। मामले के सही पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड 19 के सक्रिय मामलों की संख्या 1000 से कम हो गई है। एक लंबी अवधि के बाद राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1000 से नीचे आई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 999 है। इधर कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99% से अधिक हो गई है। एक दिन में 109 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,58,556 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 64 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,068 हो गया है। एक दिन में 2 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,512 हो गई है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस चरण के लिए अब तक 2 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस, सेना, सैन्य बल, होमगार्ड, कारा विभाग, आपदा प्रबंधन, राजस्व विभाग और नगर निकाय के सफाई कर्मी शामिल हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को भी टीका दिया जाएगा। इधर प्रदेश में अब तक 3,11,475 स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कल 47,209 लोगों का टीकाकरण हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड टीका को लेकर लोगों से सकारात्मक रहने की अपील की है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सकारात्मक रहें कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके, इसमें विश्वास रखें और पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव मेंटल जो आपका अप्रोच है वो रखें इस कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेके। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप डरे नहीं, केयरफुल ना हो, केयरफुल हो। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बन रहे प्रति चक्रवात के कारण बारिश की संभावना है। राज्य सरकार ने 31 मार्च तक रविवार को भी सभी जिलों में निबंधन कार्यालय को खोलने का आदेश दिया है। विभागीय आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में मुखिया के उम्मीदवारों के लिए 29 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए हैं। इनमें मोतियों की माला, ब्लैक बोर्ड, मोमबत्ती, टेलीविजन और कैरम बोर्ड समेत अन्य सिंबल शामिल हैं। वहीं सरपंच पद के लिए 19 चुनाव चिन्हों का निर्धारण किया गया है। इधर पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के लिए 90,000 ईवीएम खरीद का प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट से प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ईवीएम खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। पटना जिले के घोसवारी प्रखंड की बीडीओ कामिनी देवी पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गयी। पुलिस ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष पद के लिए दाखिल एक नामांकन पत्र के खारिज होने से आक्रोशित प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने घटना को अंजाम दिया। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। वैदिक प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जाने माने विशेषज्ञ प्रोफेसर डीएन झा का नई दिल्ली में निधन हो गया। प्रोफेसर झा मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले थे।
उनके निधन पर सामाजिक और शैक्षणिक जगत से जुड़े लोगों ने गहरी संवेदना जताई है। इंटर परीक्षा के चौथे दिन कल कदाचार के आरोप में 100 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। इसमें सबसे अधिक 22 परीक्षार्थी नवादा से निष्कासित किए गए हैं। वहीं दूसरे की जगह परीक्षा देने के आरोप में 12 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी के चौथे चरण की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक चलेगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस वर्ष राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए उम्र सीमा 31 वर्ष कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल वर्तमान परीक्षा के लिए प्रभावी है। जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के जंगल में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान सीआरपीएफ की टीम ने 2 क्विंटल से अधिक विस्फोटक बरामद किया है। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर चौक पर अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी और 4 अन्य को घायल कर दिया। भागलपुर जिले के कोराडी सहायक थाना क्षेत्र के स्वरूपचक गांव से पुलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभात खबर लिखता है, अमेरिका ने कहा, नए कृषि कानूनों से वैश्विक बाजार में भारत का बढ़ेगा प्रभाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, ओबीसी रिक्तियां भरने के लिए केंद्र चलाएगा अभियान। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, दिल्ली की तर्ज पर पटना में खुलेगी मोहल्ला क्लिनिक। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, आईसीएमआर के ताजा सीरो सर्वे में हुआ खुलासा, कोरोना की चपेट में आई 21% आबादी। दैनिक आज की सुर्खी है, बिहार में दूसरे चरण का टीकाकरण 6 फरवरी से। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में धोखाधड़ी के मामले मिलने के बाद केंद्र सरकार ने बिहार के 3,28,000 से अधिक किसानों के भौतिक सत्यापन का दिया निर्देश। बिहार की रेल परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में 5,150 करोड़ रुपए का हुआ आवंटन, राशि से 57 परियोजनाओं पर होगा काम। पटना प्रशासन का फैसला, किसी मकान या गोदाम में शराब पकड़ी गई तो संपत्ति को जब्त कर नीलाम किया जाएगा। और प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 1,000 से कम हुई, स्वस्थ होने की दर 99% से अधिक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।